आज हम बनाएंगे एक शुगर फ्री हेल्दी वेटलेस ड्रिंक्स। ये जो ड्रिंक्स है ये काकड़ी और टमाटो से बनी हुई है। इसमें मैंने चीनी का यूज नहीं किया हुआ है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल का ऑन करें। फिर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएगा। ड्रिंक्स बनाने के लिए दो टमाटो और एक काकड़ी मैंने ले लिया है। जो भी आप ये दोनों चीज़ लो उसको फ्रेश लेना है। बहुत ज़्यादा दिन तक जो फ्रिज में पड़ा हुआ हो या बाहर रखा हुआ हो उस टाइप का ड्रिंक्स के लिए मत लो टमाटो और काकड़ी वगैरह। फ्रेश वाला ही लेना है। उसमें से ये जो जूस बनेगा या ड्रिंक्स बनेगा टेस्ट भी अच्छा आता है और इसमें ज़्यादा विटामिन भी रहता है। जिस तरीके से हम जो सलाद खाते हैं, सलाद में ये सब चीज़ को तो हम यूज़ करते हैं, उसको फ्रेश ही लेते हैं ना, उसको फ्रिज में रख के, और सूखा चीज़ को तो सलाद में यूज़ नहीं करते। उसी प्रोसेस में ये जो ड्रिंक्स बना रहे हैं वेजिटेबल भी उसी क्वालिटी का होना चाहिए। टमाटो और काकड़ी को पहले से मैंने धो के ले लिया था। टमाटो को छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। दोनों टमाटो और काकड़ी को पहले छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे। एक टमाटो को तो मैंने कट किया, बाद में जब ब्लेंड करूंगी दूसरा टमाटो को भी कट करके उसके साथ मिक्स कर लूंगी। अभी हम काकड़ी को काटेंगे। काकड़ी का छिलका नहीं निकालना है, उसको छिलकों के साथ ही कट करना है। इस तरीके से हमारा ड्रिंक्स में और भी ज़्यादा विटामिन आ जाता है। और एक बात की ध्यान रखें, शाम को अगर आप डाइट कंट्रोल कर रहे हो तो 7-7:30 बजे तक इसमें से अगर एक ग्लास पी लेते हो आपको रात को भूख भी नहीं लगेगा और विटामिन्स भी आपकी बॉडी में कम नहीं होगा, इसलिए आप फ्रेश भी फील करोगे। तो ये वाला जो ड्रिंक्स है बहुत ही अच्छा है सेहत के लिए। अभी मैंने ककड़ी और टमाटो को काट लिया है। दोनों चीज़ को मिक्स करके ब्लेंडर की जार में ले लेंगे। एक छोटा वाला टमाटो को मैंने साइड में रखा है, जब इसको मैं ब्लेंड करूँगी उसके साथ मिक्स कर लूँगी। आधा इंच पीस अदरक को छोटे टुकड़े में मैंने कट करके रखा था, उसको भी मिला देंगे। आधा टीस्पून सौंफ को कुछ देर पहले मैंने पानी में भिगो के रखा था, करीबन आधा घंटा पहले, तो पानी से निकाल के इसको भी हम मिला देंगे, ब्लेंडर की जार में ले लेंगे। सारे चीज़ को अभी ब्लेंड करके ले आएंगे। इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे जितनी ज़रूरत हो। सब चीज़ अभी मिक्स हो चुका है, इसको मैंने चिकना करके पीस लिया है। अभी हम ब्लेंडर की जार से इसको निकाल के ले लेंगे। दो तरीके से इस ड्रिंक को आप बना सकते हो, जैसे कि अभी मैं एक कर रही हूँ ये तरीके से, और दूसरा तरीका ऐसे है कि इसको आप छन्नी में छान के ले सकते हो। ब्लेंडर की जार में आधा ग्लास पानी लेके मैं इसमें डाला है, क्योंकि पीने वाली कंसिस्टेंसी में भी आना चाहिए ना। ये सारे चीज़ को मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो एक छन्नी लेके इसको छान के भी इसमें से जूस निकाल के ले सकते हो, लेकिन पल्प के साथ पीने से ज़्यादा विटामिन आता है और बहुत टेस्टी भी लगता है ये ड्रिंक्स। अभी मैंने मिलाया 1/2 टीस्पून नमक, उसके साथ मिक्स करेंगे। काला नमक है 1/2 टीस्पून। भुना हुआ जीरा पाउडर ले लेंगे 1/2 टीस्पून। सारे चीज़ को मिक्स कर लेंगे। दो ग्लास ले लेंगे। इसमें ड्रिंक्स को डाल देंगे। ऊपर और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देंगे, ये भुना हुआ जीरा पाउडर है। तो इस तरीके से आप भी एक बार ये वाला ड्रिंक्स बनाएं और उसको यूज करें। स्पेशली जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है उनके लिए ये ड्रिंक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसे सबके लिए भी अच्छा है क्योंकि विटामिन इसमें बहुत सारे हैं। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी के बारे में आपके अनुभव कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस तरीके की बहुत सारे न्यू रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने से मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएगा।